हालत राहुल जी की हो गई है कि गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा? इस तरह के ही बार बार बयान देगा? जब जनता सुनने को नहीं आती, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की चार चार पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है, एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है, तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे। और दूसरा, जब वो यहां से हार के वायनाड चले गए थे, तो वायनाड से केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी, उसका दर्द मुझे भी आज तक होता है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी। सोनिया जी को कई बार जताया, लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की, तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा की सांसद नहीं, कहीं और से जाके बने। क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए? ये अपने आप में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन है। देखिए, धार्मिक स्थलों का विरोध करना ये कांग्रेस की आदत पड़ गई है, और कांग्रेस के गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनकी भी। कभी राम जी को अपमानित करना, कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात करना, कभी उत्तर दक्षिण को बांटने की बात करना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े की सोच रखना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ गठबंधन कर लेना, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर देना, आखिर ये कैसी सोच कांग्रेस की और उनके सहयोगी दलों की हो गई है? और इन सब विषयों पर कांग्रेस चुप क्यों है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं जब कांग्रेस का राज्यसभा का सांसद कर्नाटक से जीतता है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ नहीं कहते, पर्दा डालने का काम करते हैं, छिपाने का काम करते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उनकी पोल खुल जाती है। आखिरकार ये क्या सोच के चले हैं? क्या सत्ता में आने के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने का संकल्प, एक बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करने का, सनातन धर्म को कुचलने का, देश को बांटने का, जाति के, क्षेत्र के, धर्म के आधार पर बांटने का? यह कैसी कांग्रेस और कैसा गठबंधन है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस और कितना गिरेगी। इनकी सीटें तो गिर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका अपना स्तर भी गिर रहा है। ये कभी इतनी सीटें नहीं जीत पा रहे कि इनका नेता प्रतिपक्ष भी बन पाए, और जितने गंदे और भद्दे बयान अब दे रहे हैं, अब जनता भी तय कर लेगी कि सुपड़ा साफ कांग्रेस का होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।